पिछले क्लास में हम लोगों ने ध्वनि कविता की कवि श्रीकांत त्रिपाठी निराला के विषय में चर्चाएं की गई थी परंतु समय के अभाव में मैंने आपको कविता के विषय में नहीं बता पाया था। इसलिए आज मैं आपको कक्षा एक की प्रथम पाठ ध्वनि कविता का भावार्थ बताने जा रहा हूं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित ये कविता ध्वनि में कवि का मूल भाव यह है कि अभी 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 न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मधुर वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहने का तात्पर्य यह है कि कवि कहना चाहते हैं कि मेरा अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी बसंत का आगमन अभी ही मेरे जीवन में आया है। यहां पर अंत से तात्पर्य यह है कि अंत उस व्यक्ति का होता है जिसके जीवन में निराशा, निद्रा, आलस्य या अकर्मण्य जो हो गए हैं, वैसे व्यक्ति के जीवन का अंत बहुत जल्द हो जाता है। परंतु कवि यह कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन का अंत कभी नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि उस कवि के जीवन में उत्साह, उमंग और जागृत अवस्था में है और हमेशा उनमें काम करने की लालसा है, इसलिए वो कहते हैं हमारा अंत कभी नहीं होगा। तो यहां पर कवि ने इस कविता में कुछ उदाहरणों के द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गार, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा दे प्रत्यूष मनोहर। कवि कहते हैं कि जो हरे भरे पत्ते हैं उसमें लगी हुई जो डालियां और डालियों में लगे हुए जो कलियां हैं, वह सुसुप्त अवस्था में, चिर निद्रित अवस्था में है, अलसाए हुए अवस्था में है। अर्थात आज के जो युवा वर्ग है वो कलियों से उसका उस अविकसित फूलों से तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से कलियां सुप्त अवस्था में हैं, उसी प्रकार से आज युवा वर्ग आलस में और चिर निद्रा में पड़े हुए हैं, वह निराशा के घोर अंधकार में डूबे हुए हैं। इसलिए कवि उन युवा वर्गों को उस कलियों पर हाथ फेर करके उन्हें जागृत करना चाहते हैं ताकि वह पुनः अपने जीवन के पथ पर अग्रसर हो सके और नए जीवन का आनंद का अनुभव कर सके। पुष्प पुष्प में तंग आलस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच लूंगा मैं। कवि कहते हैं कि जो हरेक फूलों पर, अर्थात यहाँ हरेक पुष्प पुष्प से तात्पर्य हरेक युवाओं के अंदर जो तंद्रा का आलस आ गया, नींद आ गई है, जो आलस से उसका शरीर शिथिल सा हो गया है, उसके उस आलस को खींच करके मैं बाहर कर दूंगा और उसे नवजीवन के अमृतों से भर दूंगा। नवजीवन का अमृत अर्थात उसके आलसपन को खींच करके उसके अंदर जागृति उत्पन्न करूंगा, उत्साह का संचार करूंगा ताकि प्रसन्न होकर के अपने कर्मों में लग सके। अंतिम पैराग्राफ में द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि मैं उन आलस या निराशावादी जो लोग हैं, जो कर्महीन बन करके चुपचाप बैठे हुए हैं, मैं उन्हें जीवन के पथ को दिखा दूंगा, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, उस अनंत मार्ग की ओर अग्रसर करूंगा। कवि कहते हैं कि मेरा अंत कभी नहीं होगा, अर्थात उनके जीवन का कभी निराशा नहीं होगी, अकर्मण्यताएं नहीं होगी, वह सदा उत्साहित रहेंगे और जीवन के नए पथ पर अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद।